आजकल जो सरपंचों का मुद्दा है ये बहुत गरमाया हुआ है हमारे हरियाणा में। सरपंच जो हैं वो वैसा ही लग रहा है कि किसान आंदोलन की तरह वो भी पंचकुला में इकट्ठे हो जाते हैं। मसला क्या है? सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शी चीज़ों को करना चाहते हैं। ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच विरोध कर रहे हैं, आपके लिहाज से ठीक है गलत है? देखो जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, और जैसे आज से 70 साल पहले जब ये यूरिया खाद और ये केमिकल फर्टिलाइज़र जब शुरू हुए, जी तो आप भी खेती से जुड़े हुए हैं, जी गांव के लोग ये कहते थे कि अगर ये खाद डाल दिया तो हाँ, कभी फसल ही नहीं फसल ही होगी। नहीं होगी, जमीन खराब हो हाँ, जाएगी। लेकिन आज ये है कि उसी खाद के लिए लाइन लगती है। हाँ, थानों में बिकती है। हाँ, और हाँ पुलिस की निगरानी में वो बिकती है। हाँ और पुलिस की निगरानी में डंडे भी खाने पड़ते हैं उसको कई बार लेने के लिए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो नई जो चीजें हैं, इनकी जननी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो जो 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 इंट्रोड्यूस होएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विरोध होगा। आपने देखा वैट, वैट में किसी राज्य की कोई यह सहमति नहीं बनी। 2004 से पहले वैट का कानून आ गया था जी और सब राज्यों ने कहा हम नहीं लागू करते, और आज देश के जितने भी राज्य हैं, जब जीएसटी आई तो उन्होंने ये कहा चलो जीएसटी को हम मानते हैं, लेकिन वैट को अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इन पे, इन, इन तो वो वैट, मुझे याद है मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना 2005 में हरियाणा का, जी और हरियाणा एक ऐसी स्टेट थी जो सबसे पहले वैट लेके आई। उस टाइम चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, जी 2004 की बात है ये। और आप हैरान हो गए कि मेरे 5 साल के फाइनेंस मिनिस्टर के काल में स्टेट जीडीपी कभी भी 14% से कम नहीं थी, अच्छा और इतना पैसा के हमने जो फाइनेंस कमीशन ने ग्रेड नए दिए टीचर्स को, नर्सेज को, पुलिस के कर्मचारियों को, हमने कोई उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं, सबको दिया। और मेरे को, मेरे दोस्त थे सुरेंद्र सिंगला जी जी जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस बिल्कुल वक्त में, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को कहते हैं वीरेंद्र हाँ यार एक काम कर, मैंने कहा बताओ, हाँ कि तू 2,000 करोड़ रुपया दे दे अच्छा, और मतलब तुम्हारा, पंजाब हरियाणा से मांग रहा है। हाँ, और उस वक्त मेरे पास 6,000 करोड़ ऐसा था जिसको मैं खर्च पाने में कहाँ करूँ खर्च? कहाँ करूँ खर्च। हाँ तो मैंने कहा दे देंगे, हाँ लेकिन मैंने कहा भारत सरकार गारंटी दे। तो हाँ 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 वो कह लेंगे नहीं नहीं वो तो नहीं। मैंने कहा फिर मैं फिर कैसे दे कैसे दे दूंगा। देंगे? हाँ तो हाँ मेरा अभिप्राय कहने से ये है, जो आपने सवाल किया, इसमें जो नई चीजें हैं ये ट्रांजिटरी फेज है, इसमें ये घटनाएं होना स्वाभाविक है। सरपंच लेकिन भी, नीति ठीक है ये। मैं ये कहता हूं कि ये होगा, यू कांट स्टॉप इट। फिर बात कर लें कि भाई जो 5 लाख भी कम है तो, और लेकिन दो चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस नजरिए से देखती है कि हमें इसमें भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगाएं। सरपंच ऐसे देखते हैं कि अगर हम हमारी मर्जी से काम नहीं करा सके, हमारी फंडिंग में दिक्कत आएगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इन दोनों चीजों का एक समाधान है, एक तो जैसे मैंने अभी कहा ई टेंडरिंग को पूर्ण रूप से, सरल बनाया हाँ, जाए सरल बना के, और जो उसमें कमियां हैं हाँ, उन कमियों को दूर किया दूर जाए किया जाए ताकि ताकि काम रुके ना। काम रुके ना। हाँ हाँ और दूसरा ऑडिटिंग, चाहे वो सरपंच की 2 लाख की या 5 लाख की या 10 लाख की, ग्राम पंचायत की, और चाहे सरकारी टेंडर से हुआ काम किसी ठेकेदार ने किया है, इनकी ऑडिटिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑडिटिंग, एंड लेट देयर बी ए पब्लिक ऑडिटिंग आल्सो, यानी सरकारी ऑडिटिंग तो हो, लोगों की भी हो कि जी हमारे हाँ, गांव में ताकि ये दूध देखो। का दूध पानी का पानी हाँ, हो जाए और ये, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उससे हाँ, पारदर्शिता आ ये जाएगी। जरूरी है। हाँ बाकी जो आपका सवाल है उसका मेरे को जवाब मैं यही दूंगा कि युग परिवर्तन, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, दुनिया का काम करने का तरीका बदल रहा है,
और दुनिया में इतना बड़ा एक किस्म से मैं कहूँगा कि दुनिया ऐसे युग की तरफ जा रही है जहाँ चीज़ें जो सालों में होती थी वो दिनों में होनी शुरू होंगी, आप देखना। और वो तभी है जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे रुकावट आती है शुरू में। मैंने जैसे खाद की बात कही आपको, तो ये है, मैंने वैट की बात कही आपको। पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर पहले विरोध हो रहा था, अब वो दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन गया। बिल्कुल, हरियाणा पहला राज्य है जिसने पढ़ी लिखी पंचायत। और ये मैं ये बताऊं कि जो पढ़े लिखे बच्चे, हम बच्चे ही कहेंगे कि हम तो खुद बहुत बड़े हो गए, जो आए हैं उन्होंने एक पीढ़ी को रिप्लेस किया है। और वो आए हैं जो नई जनरेशन पढ़े लिखे हैं, जिनके विचारों में भी मैं ये कहूँगा कि विस्तार है विचारों का, वो मेंढक नहीं है कुएं के, विचारों का विस्तार है। और इससे नई परिभाषा पंचायती सिस्टम की भी बनेगी, ये जरूरी है।